सो गाइस आज है 1 सितंबर और आज से आईपीएल स्टार्ट होने में मात्र 18 दिन बचे हुए हैं, यानी अब चेन्नई को फाइनली अपनी जो तैयारियां हैं आईपीएल 2021 के लिए और प्लान्स जो है अब यहां से बनाना स्टार्ट करना है। और गाइस कुछ यहां पे अच्छे खासे खबर भी हमारे हाथ में लगे हैं जो कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से निकल के आ रहे हैं कि वो पहले मुकाबले के लिए कुछ प्लान्स बना के तैयार कर लिए हैं। साथ में जडेजा फिट हो चुके हैं, इसके ऊपर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है और गाइस काफी न्यूज है जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। सो गाइस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो अभी लेके पूरा एंटायर एंड देखिएगा। और गाइस अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि यहां पे देख सकते हैं आप एनालिटिक्स, अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, 80% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सो गाइस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हमारे 20,000 सब्सक्राइबर में चंद सब्सक्राइबर का फासला बचा हुआ है और अगर इतने लोग कर देते हैं चैनल सब्सक्राइब तो काफी अच्छी बात रहने वाली है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, दिन भर में एक नोटिफिकेशन जाएगा जिससे आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं। सो गाइस फटाफट से चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइस फाइनली हम बात करने वाले हैं पहले न्यूज को लेके और गाइस जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है इनके कैंप को लेके। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि आईपीएल स्टार्ट होने में चंद दिनों का समय बचा हुआ है तो चेन्नई को अब क्या जरूरत रहने वाली है। अब चेन्नई को जरूरत रहने वाली है एक अच्छे खासे प्लान की और पहला मुकाबला ही मुंबई के खिलाफ रहने वाला है, यानी बेस्ट राइवलरी टीम के खिलाफ रहने वाला है और चेन्नई सुपर किंग यहाँ पे अपना जो मास्टर प्लान है वो बना के तैयार कर लिए क्योंकि यहाँ पे 4 खिलाड़ियों को मेन स्पॉटेड किए हैं। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, दूसरे पे रोहित शर्मा, कायरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या, ये 4 खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन पे चेन्नई की नजर रहने वाली है पहले मुकाबले में और इनके खिलाफ ये पूरी तरीके से अपना प्लान पूरी तरीके से परफेक्शन सब चीज बनाना स्टार्ट कर लिए कि आखिर इन्हें चुंगुल में फंसाना कैसे है क्योंकि अगर चेन्नई को पार पाना है तो इन 4 खिलाड़ियों को जो कि मेन खिलाड़ी रहने वाले हैं इन्हें पार पाना पड़ेगा क्योंकि अगर यही 4 खिलाड़ी में से कोई एक खिलाड़ी चल जाएगा तो चेन्नई के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन चेन्नई को अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई अच्छे तरीके से करना है, टॉप 2 पोजीशन पे अपना नाम रखना है तो इन्हें पहला मुकाबला ही मुंबई को हराना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही ये मुंबई को हराएंगे इनके सभी खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा और उसके बाद ये आईपीएल को आसानी से जीतने का ख्वाब देख सकते हैं। और इसलिए जो पहला मुकाबला रहने वाला है वो चेन्नई के फैंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा मुकाबला बन सकता है और गाइस उस तरीके पे प्लान्स जो है अब वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं और प्लान्स के अगर सौदागर अगर यहाँ पे एमएस धोनी रहे तो क्या बात रहने वाली है। और यहाँ पे एमएस धोनी सब चीज कर रहे हैं, सब प्लानिंग कर रहे हैं पूरी तरीके से, टीम को पूरी तरीके से माइंड फ्रेश रखना चाह रहे हैं और ये काफी अच्छी खबर है जो कि यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। सो गाइस फाइनली बात करने वाला हूँ दूसरे खबर को लेके और गाइस खुश हो जाइए, जडेजा फिट हो चुके हैं। मैंने कल आपको वीडियो में कहा था कि 3 दिन लगने वाले हैं जडेजा को फिट होने में, 3 दिन कल पूरे हो गए और यहाँ पे इनका आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे इन्होंने कुछ पोस्ट डाला था, पहले में लिखे हैं बी हैप्पी और दूसरे पे लिखे हैं वर्क इन प्रोग्रेस, बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पूरी तरीके पे इनकी नी फिट हो चुकी है और आईपीएल खेलने के लिए ये तैयार रहने वाले हैं क्योंकि जडेजा पूरी तरीके से फिट, चेन्नई के फैंस पूरी तरीके से खुश क्योंकि जडेजा एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि चेन्नई को अगर यहाँ पे आईपीएल जीतना है, चेन्नई को बेटर परफॉर्मेंस करना है तो जडेजा को अच्छा फॉर्म अपना दिखाना पड़ेगा। और गाइस इस तरीके से बात करें तो यहाँ पे जडेजा का इस तरीके से फिट होना, आईपीएल में खेलना, अपना पूरी तरीके से अपने रंग में आना ये काफी अच्छी खबर है। और गाइस यहाँ पे जडेजा को फिट देख के सभी फैंस काफी ज्यादा खुश हुए होंगे क्योंकि यहाँ पे जडेजा फिट पूरी तरीके से मामला चौकस और आईपीएल के ट्रॉफी पे चेन्नई का पूरी शिरकत। सो गाइस फाइनली हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे न्यूज पे। सो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं जडेजा की बात हुई, हम लोग जडेजा पे आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जडेजा की जो फाइनल रिपोर्ट सामने आ रही है वो फिट तो हो चुके हैं और 16 सितंबर का वो डेट रहने वाला है जब वो चेन्नई के कैंप के साथ जुड़ जाएंगे। हाँ गाइस चेन्नई के कैंप के साथ 16 सितंबर को रविंद्र जडेजा जुड़ने वाले हैं, यानी पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और यहाँ पे जो इंग्लैंड की सीरीज खत्म होगी उसके बाद 16 सितंबर को ये पहुंचने वाले हैं दुबई और 3 दिन या 2 दिन का हो सकता है क्वारंटीन लेना पड़े क्योंकि वहां पे बायो बबल पे ही आ रहे हैं
तो बायो बबल से आके डायरेक्ट बायो बबल में घुसेंगे, तो हो सकता है कि 24 से 48 घंटे का क्वारंटीन खिलाड़ियों को दिया जाएगा, क्योंकि बायो बबल पे बायो बबल अगर सिक्योरिटी दी जा रही है तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे ज्यादा दिन का इन्हें क्वारंटीन नहीं लेना पड़ेगा, जो खिलाड़ी इस सीरीज में शिरकत किए हैं उन्हें ज्यादा दिन का क्वारंटीन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 24 से लेकर 48 घंटे में इनका क्वारंटीन पीरियड खत्म हो जाएगा, क्योंकि बायो बबल में अगर यहाँ पे एंट्री होती है तो ज्यादा दिनों का इन्हें नहीं लिया जाएगा। यानी पहला मुकाबला खेलने के लिए जडेजा पूरी तरीके से तैयार है और 16 सितंबर एलार्म लगा दीजिए, वो डेट रहने वाला है जब जडेजा यहाँ पे कैंप में जुड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो भाई फाइनली बात करने वाला हूँ चौथी न्यूज को, और चौथी न्यूज निकल के आ रही है दो नई टीमों को लेके। हाँ भाई, फाइनली जो दो नई टीम्स हैं उनकी बीसीसीआई ने टेंडर खोल दिया है। हाँ भाई, सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे अच्छी खबर कि अगले साल के लिए दो नई टीम जो आने वाली है उनका टेंडर खुल चुका है, और जो रेस में दो टीम सबसे आगे जा रही है वो अहमदाबाद लॉयंस और लखनऊ की टीम। यानी ये दो टीम जो रहने वाली है इनका नाम आना कंपलसरी लग रहा है, क्योंकि लखनऊ पहले भी जान रही थी कि आईपीएल में टीम बनानी है, आईपीएल में अपना नाम देना है, और लखनऊ में जो कि काफ़ी अच्छा स्टेडियम है वहाँ पे इन्हें खेलना है, और इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट में सबसे तेजी से भाग रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अहमदाबाद लॉयंस, जो कि आप देख सकते हैं कि स्टेडियम पूरी तरीके से खुल चुका है, तो अहमदाबाद लॉयंस की टीम आना कंपलसरी था, नौवीं टीम रहने वाली है और दसवीं टीम यहाँ पे लखनऊ का रहने वाला है, और यहाँ पे 5,000 करोड़ का फायदा होने वाला है बीसीसीआई को, क्योंकि टेंडर खुला है, सभी टीमें पैसा लगा रही हैं, सभी मालिक पैसा लगा रहे हैं, और यहाँ पे लखनऊ काफी आगे चल रही है, और यहाँ पे अभी तक की रिपोर्ट सामने ये आ रही है कि यहाँ बीसीसीआई को 5,000 करोड़ का फायदा हो रहा है। गाइस ये थी कुछ न्यूज जो कि सामने निकल के आ रही है, मैंने आपको देना कंपलसरी समझा। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि आपके लिए कौन सी खबर थी सबसे ज्यादा अच्छी, आपकी जो हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।